Hi everyone, good afternoon and welcome to Literature Lovers with A.K.S. Rajveer. So, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस वंडरफुल सेशन में, और इस सेशन को खास करके डिजाइन किया गया है आपके लिए गाइज, है ना? यस दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। अगर आपको स्क्रीन में ये मेरी प्रोफाइल नजर आ रही होगी, तो आप अगर चाहें तो मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ऑलरेडी यहां पर मुझे 14,000 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है और 12 मिलियन वॉच मिनट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासेस देख रहे हैं, और 460 के जो है लास्ट 30 डेज का वॉच मिनट है। तो यानी कि आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन, अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं। और साथ में टेलीग्राम पर भी मुझे आप फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आपको फॉलो करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप लेना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप जब जाएंगे तो ऐसी ये वाली पिक्चर आपको मेरी टेलीग्राम में नजर आएगी, ये वाली, यही। और ये दोस्तों होगा हमारा हैंडल इंग्लिश विद ए.के.एस. राजवीर, और इसी पर इसका डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारी आज की क्लास में मैंने पहले से ही डिसाइड किया है कि हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे बिना किसी एड ब्रेक के। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है हमें क्योंकि बहुत सारे टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट लगे हुए हैं इस समय अपनी प्रिपरेशन में, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में प्रेस्क्राइब्ड होते हैं। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ को किस तरह से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि हम पढ़ेंगे इनके लाइफ के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके वर्क्स के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकी क्रोनोलॉजी, है ना, और चौथा हम पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स या एग्जाम पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। ये हमारा आज डिस्कशन का वो रहेगा, पार्ट रहेगा। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं सो डेफिनेटली आप इस क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, है ना? यस, चलिए अब हम शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें, और थोड़ी थोड़ी बातों के साथ आगे की बातें हमारी बहुत ही अच्छे से चलती चलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है। किस एज से इनकी बिलोंगिंग है? सो देन आंसर इज रोमांटिक पोएट। मैं दोस्तों सभी को नमस्कार बोलता हूं क्योंकि मैं कई बार मैसेजेस नहीं पढ़ पाता। अभी मैं आपसे मैसेजेस से रूबरू होऊंगा बहुत अच्छे से। कोई क्वेरी होगी तो आप लास्ट तक मेरे साथ ट्यून्ड रहिएगा। एट द एंड ऑफ द क्लास आप मुझसे अपनी क्वेरी जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? सो रोमांटिक पोएट हैं आपके आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज की जो शुरुआत है कब से होती है? रोमांटिक एज की शुरुआत होती है 1798 के साथ। और एक्चुअली में विलियम वर्ड्सवर्थ ही थे जिनको आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, जिन्होंने रोमांटिक एज की नींव रखी थी, क्योंकि 1798 इन्हीं का एक वर्क आया था जिसको हम लिरिकल बैलेट के नाम से जानते हैं, और यहीं से रोमांटिक एज की स्टार्ट होती है। दोस्तों अगर रोमांटिक एज की मैं शॉर्ट में बात करूं तो रोमांटिक एज को हम इसलिए जानते हैं कि इस टाइम पीरियड में इमेजिनेशन को सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी गई थी, नेचर फोकस पॉइंट था। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि नेचर फोकस पॉइंट था, इमेजिनेशन सुप्रीम इंपॉर्टेंस, पर्सनल पोइट्री आ चुकी थी क्योंकि न्यू क्लासिकल एज में ऐसी पोइट्री नहीं थी। न्यू क्लासिकल एज में मोनोटोनस पोइट्री थी। मोनोटोनस पोइट्री क्यों थी? क्योंकि वो कुछ अपने बाउंडेड थी रूल्स से। लेकिन यहां पर फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, और खास करके आप देखते हैं कि इस एज को रिवाइवल और रिवोल्ट के साथ हम लोग कंसीडर करते हैं, रिवाइवल एंड रिवोल्ट। इस टाइम पीरियड में नेचुरल वर्ल्ड से एसोसिएटेड द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, यानी फ्लोरा एंड फना वर्ल्ड के बारे में इस टाइम पीरियड में लिखा गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बर्थ है वो अप्रैल 1770 में हुआ था गाइज, इनका बर्थ 1770, और डेथ हुई थी इनकी 23 अप्रैल 1850, 1850 गाइज। यानी कि इनका लाइफ स्पैन अगर आप जोड़ना चाहें तो 50 साल अगर आप इधर रफली जोड़ दें और 30 साल अगर इधर आप रफली जोड़ दें, देन यू विल गेट 80 ईयर अप्रोक्सीमेटली ये जिए थे, है ना, एक लंबी उम्र जिए।
वैसे मैं आपको बता दूं, उम्र लंबी हो ना हो, लेकिन उम्र ऐसी होनी चाहिए कि आपके कुछ मुकाम आपने कुछ हासिल किया हो अपने जीवन में और वो आपके जीवन की कमाई आपके सामने हो गई। तो इन ये 80 साल अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्स कह रहा हूं, ये 79 भी हो सकता है क्योंकि ये मंथ वाली बात आती है, लेकिन यहां पर देखिए अप्रैल और अप्रैल है इसीलिए 80 साल हम लोगों ने, यानी 80 ईयर वी हैव ऑलरेडी डन, कि हाँ 80 साल लगभग 80 ईयर गाइस इन्होंने अपनी जिंदगी को जिया था। इसके बाद बात आती है कि अब हम क्रोनोलॉजिकली चीजों को लर्न करें। क्रोनोलॉजिकली क्यों लर्न किया जाता है? सो दैट एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को, गॉट इट, एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाए। तो चलिए हैंडल करने वाली टेक्निक हम लोग देख लेते हैं। जब भी देखिए मैं पढ़ता हूं तो मैं चीजों को कनेक्शन बना देता हूं एक दूसरे से, और इसमें भी मैं आपको चीजों के साथ कनेक्शन बनाने वाला हूं। अगर आपको लगता हो कि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड में हूं, आप स्क्रीनशॉट डन कर दीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों समझते हैं हम लोग वर्ड्सवर्थ के बारे में। देखिए 7 अप्रैल को जॉन और एन को एक बच्चा हुआ और उसका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ पड़ा बाद में जाकर के। बाय द वे अगर देखा जाए तो ये समझिए कि 5 भाई बहनों में से विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, 5 भाई बहनों में से सेकेंड पोजीशन पर थे, सेकेंड ऑफ 5, यानी कि सेकेंड पोजीशन इनसे बड़ा इनका एक भाई या बहन रही होगी गाइस, ऐसा सेकेंड पोजीशन में थे। देखिए जब हम देखते हैं जीवन अगर हमारा कुछ कठिन परिस्थितियों से ना गुजरा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन शायद ठीक नहीं था। इनके मदर की डेथ हो जाती गई, जस्ट 8 साल के थे ये, 7 से 8 साल के थे ये, और इनकी मदर की डेथ हो जाती है गाइस। और जब इनकी मदर की डेथ हो जाती है उसी साल में लगभग, देखिए 8 साल की उम्र में इन्होंने ग्रामर स्कूल में पढ़ा। ग्रामर स्कूल का मतलब होता है कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, जैसे हमारे यहां पर अब तो नर्सरी दुनिया सरी चलने लगा है, लेकिन हम लोगों के टाइम पीरियड में, मेरे टाइम पीरियड में, मैंने सीधे क्लास 1 में पढ़ा है, डायरेक्टली क्लास 1 में। नर्सरी अर्सरी तो हमें सपना हुआ करता था कि का क्या नर्सरी क्या है क्या नहीं है, क्लास 1 हमें पता है। सो गाइज इनके मदर की हो जाती है डेथ और विलियम वर्ड्सवर्थ को एडमिशन मिलता है हॉक्स हेड ग्रामर स्कूल में। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं हमेशा एग्जाम पॉइंट्स की बात करता हूं। एक तो ये याद रखना है इनकी, इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और इनके मदर का नाम एन था, एन कुक्शन, एन कुक्शन। 2 चीजें आप याद रख लीजिएगा, इनके जो फादर थे वो जॉन थे और इनकी जो मदर थी वो एन थी, 2 चीजें याद रहेंगी। साथ में अब तीसरी चीज ऐड कीजिए, हॉक्स हेड ग्रामर स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल जो इन्होंने प्राइमरली जो एजुकेशन ली, बिगिनिंग की एजुकेशन ली, तो इन्होंने कहां से ले डाला था? वो हॉक्स हेड ग्रामर स्कूल से लिया था। लेकिन अभी कुछ समय ज्यादा नहीं हुआ था, इट वॉज नॉट टू लेट गाइज, कि बस इनके फादर की भी डेथ हो जाती है 1983। 12 से 13 साल की उम्र की बीच में, 12 or 13 years old only he was and his father died. अब जब भाई माता पिता का साया आपके सर से छिन जाए तो फिर क्या होता है गाइस? जब माता पिता का साया आपके सर से छिन जाता है तो फिर आपको लगता है कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा अभागी मैं ही हूं, यानी ऑर्फन हो गए। तो अब प्रॉब्लम थी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कि अब आगे क्या किया जाए। खैर कोई नहीं, 1787 में इन्होंने एडमिशन लिया था सेंट जॉन कॉलेज जो कैम्ब्रिज में है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक एग्जाम पॉइंट है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये कैम्ब्रिज कैसे एग्जाम पॉइंट है वो इस चीज को समझिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा है जो आगे चल के आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिल्यूड, प्रिल्यूड बोलते हैं। प्रिल्यूड बाय द वे गाइस 1805 में कंप्लीट हो चुका था लेकिन पब्लिश हुआ था 1850 में। प्रिल्यूड में, क्योंकि ये प्रिल्यूड जो है 14 बुक्स वाली पोयम है, 14 बुक्स आर देयर इन द वर्क प्रिल्यूड, और इसी वर्क में, इस वर्क को क्या कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है,
है ना, ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। और इसी वर्क में आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जिक्र मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेयर वी कैन फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम्ब्रिज इन द वर्क्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, यस इन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो बस ये समझिए कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इनके प्रिल्यूड में नजर आती है। ये मेरा बताने का तात्पर्य था, जो भी चीजें मैं बताई मैंने बैकग्राउंड को लेकर के बताई थी। इसके बाद क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में चले गए, यूनिवर्सिटी की जैसे समर वैकेशन एंड ऑल, तो फिर इन्होंने कुछ वॉकिंग टूर किया, जैसे ये फ्रांस इन्होंने विजिट किया, स्विट्जरलैंड इन्होंने विजिट किया और जर्मनी भी गाइज इन्होंने विजिट किया था। एक चीज तो आप जानते ही होंगे कि जब ये फ्रांस में थे, गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस, तो फ्रांस में इनकी मुलाकात होती है एक लेडी के साथ, एक गर्ल के साथ, इसका नाम है एनिटी वॉलन। इस गर्ल के साथ, ये ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड की बात है, मतलब समझ लीजिए पहली नजर ने कैसा जादू कर दिया और तेरे बिन बैठा है मेरा जिया। तो भाई साहब इनको हो गया प्यार। अब जब आप जानते हैं कि प्यार हो जाता है किसी को, तो फिर तो कोई चीज है ही नहीं कि जो रोक पाए, ऐसी हिम्मत किसमें कि जो रोक पाए। फॉल इन लव विद द लेडी एनिटी वॉलन। लेकिन आपको तो अभी भूला नहीं होगा ना, 1789 कैसे आप भूल सकते हैं कि 1791 का टाइम पीरियड, 1791 फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस, 1794 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 गाइस, प्लीज 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 प्लीज, मैं थोड़ा सा मैंने फ्लो में ज्यादा स्टाइल में बोल दिया, 1789 तो आप भूलेंगे नहीं, है ना, भूल जाएंगे। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन आप नहीं भूल सकते, है ना। तो इन 89 और इसी टाइम पीरियड की बात, इवनिंग वॉक ये देखिए पोयम इन्होंने लिख डाला था इस टाइम पीरियड में, है ना, यस। हुआ क्या गाइस कि ये जब फ्रांस में थे वहां पर मुलाकात हुई इनकी एनिटी वॉलन के साथ। एनिटी वॉलन के साथ जो इनकी मुलाकात थी बड़ी अच्छी थी, प्यार हो गया इनको, मीटिंग हुई दोनों की। लेकिन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो फ्रांस की कंडीशन थी, दैट वॉज नॉट गुड एट ऑल उस टाइम पीरियड में, है ना, उस टाइम पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली जो बात थी उसने काफी ज्यादा फ्रांस की जो स्थिति है भयानक कर दी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1889 वही ये ईयर है जब इन्होंने इवनिंग वॉक लिखा था। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता देता हूं जो आपको आगे याद रखनी है, आइए मुझ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 1789 इवनिंग वॉक लिखा इन्होंने, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन को तो आपने याद कर लिया, इसको भी याद कर लिया, लेकिन आपने एक चीज अभी मिस कर ली है, इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये पोयम पब्लिश कब हुई थी। देखिए ये लिखा है कि इन्होंने कंपोज किया, ठीक है, ये इन्होंने कंपोज कर लिया, लेकिन पब्लिश कब हुई थी ये बात आपको याद रखना होगा कि इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच ये आकर के पब्लिश हो रही है जाकर के 93 में। मैथमेटिक्स का काम कीजिए, कब पब्लिश हो रही है, 1793 में। इधर देखिएगा डेट 1793, 89 में इन्होंने कंपोज कर डाला बट पब्लिश्ड इन द ईयर 1793। बता दूं मैं कि जब फ्रांस की कंडीशन, थोड़ा सा दूसरे पार्ट पर हम लोग लौट के आ रहे हैं ना, फिर से बैक आ जा रहे हैं हम लोग इधर को, तो एनिटी वॉलन से मुलाकात हुई, फॉल इन लव, और जब भाई साहब किसी से प्यार होता है तो तेरी मेरी कहानी रंग लाएगी और रंग जरूर लेकर के आती है। तो इनकी कहानी ये रंग लेकर के आई कि एनिटी वॉलन सी वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम पीरियड। एनिटी वॉलन जो है प्रेग्नेंट थी और उसी टाइम पीरियड में गाइज, ये 91 से 92 के बीच की बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड छोड़कर के भागना पड़ा, इंग्लैंड छोड़कर के भागना पड़ा। और जब ये इंग्लैंड छोड़कर के आए वापस, तो वो प्रेग्नेंट थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, कैरोलिन नाम रखा गया उस टाइम, उसके बाद उसका, उस लड़की का नाम कैरोलिन गाइस। और ये जो कैरोलिन थी एक्चुअली में, यही वो गर्ल है जो लूसी पोएम्स में आपको नजर आती है। लूसी पोएम्स में विलियम वर्ड्सवर्थ इसी गर्ल के बारे में बात करते हैं, ठीक है,
यस। अब ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम, उस टाइम पीरियड में क्यों फ्रांस से भाग करके इंग्लैंड आ गए थे, क्योंकि देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ही वॉज नॉट फाइनेंशियली सो मच स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपने देखा मदर डाइड फादर डाइड। अब जब माता पिता नहीं है तो आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, इधर प्यार भी हो गया है तो आपके पास उतने ज्यादा अरेंजमेंट नहीं होते। विलियम वर्ड्सवर्थ ही रिटर्न इंग्लैंड 1793 के टाइम पीरियड में, लेकिन गाइज यू नो एंग्लो फ्रेंच वॉर उसी टाइम पीरियड में हो जाता है, और एंग्लो फ्रेंच वॉर की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ जा नहीं पाए फिर से दोबारा से फ्रांस, कि वो जाकर के मिले एनिटी वॉलन से और उसको बहुत ही इज्जत और मर्यादा के साथ वापस ले आए अपने साथ। दिस इज वॉट की ये एंग्लो फ्रेंच वॉर ने, इसने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, और विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनिटी वॉलन दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, अब ये दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए तो अब आगे कहानी क्या चलती है। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ में लेडीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आपको याद रखने होते हैं और मैं आपको उनके नाम यहां पर याद दिलाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक तो इनकी मदर थी एन, ए डबल एन ई, ये तो मॉम हो गई इनकी। इसके बाद दूसरी जो लेडी थी तो वो थी एनिटी वॉलन, गाइस ए डबल एन ई डबल टी ई एन वी ए एल ओ डबल एल ओ एन एनिटी वॉलन, तो ये तो हो गई इनकी बिलवेड, है ना, बिलवेड हो गई गाइस। इसके बाद डोरथी वर्ड्सवर्थ का नाम इनकी लाइफ में आता है, डोरथी वर्ड्सवर्थ। सो डोरथी इनकी सिस्टर थी, एग्जाम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है ना, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं। डोरथी के बाद अगर हम किसी की बात कर सकते हैं तो इनकी वाइफ मैरी, मैरी जो थी ना इनकी वो क्लासमेट थी, मैरी जो है इनकी क्लासमेट थी। विलियम वर्ड्सवर्थ बी लाइक बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ फिर से यहां पर आ गए थे, एनिटी वॉलन से अलग हो चुके थे, तो एनिटी वॉलन से अलग होने के बाद में इन्होंने शादी की थी मैरी से, मैरी हचिनसन या मैरी वर्ड्सवर्थ इनका नाम दिया जाता है, मैरी हचिनसन या फिर मैरी वर्ड्सवर्थ नाम दे दीजिए, ये इनकी वाइफ बनी, है ना। और इनकी बेटी ये कैरोलिन, जिसको लूसी जिसका नाम दिया है गाइज इन्होंने, है ना। तो कैरोलिन कैन ऑल्सो बी सीन सी ए आर ओ एल आई एन ई कैरोलिन, सो ये इनका एक चाइल्ड है और इसी को इन्होंने लूसी बना दिया है अपनी पोएम्स में। तो ये देखिए काफी सारे गर्ल्स के रोल आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि ये नेम नजर आ रहे हैं इनकी जिंदगी में, और ये नेम आपको याद रखना है किसी भी कंडीशन में, एट एनी रेट। ठीक है, यस, एन एनिटी वॉलन, डोरथी वर्ड्सवर्थ, मैरी हचिनसन और मैरी वर्ड्सवर्थ या देन कैरोलिन, ये इतने नाम आपको इनकी जिंदगी में याद रखने हैं, बहुत ही अच्छे से याद रखना है गाइस। साधना एक्चुअली में सेकेंड वाइफ नहीं कहा जाता, प्लीज, सेकेंड वाइफ नहीं, ये उनकी वाइफ फर्स्ट ही थी, क्योंकि इट वॉज जस्ट एन अफेयर, ये कोई शादी नहीं थी दोनों के बीच की, इट वॉज जस्ट एन अफेयर। So that's why आप साधना इसे ये नहीं कहेंगे कि ये दूसरी वाली शादी थी, ठीक है ना, ये पहली ही शादी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब जिंदगी में अफेयर तो बहुत सारे चलते रहते हैं ना लोगों के, शादी एक होती है लेकिन अफेयर चल जाते हैं, नहीं चलते, अरे आप देख सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल यू हैव गाइज, यू ऑल आर, है ना, आप इतने समझदार हैं, ओनली वाइफ आप बोलेंगे, ठीक है। तो अफेयर तो देखते हैं 50-50 लोगों के चल जाते हैं, 30, 40, 20, 10, 15, 8, और लॉर्ड बायरन की बात मत कीजिएगा, ओ माय गॉड, जैसे मैं बायरन को याद करता हूं मतलब यू नो भीतर से एक बड़ी अच्छी फीलिंग आने लगती कई बार। लॉर्ड बायरन बी लाइक 250, शादी एक की थी, ये बात याद रखिएगा, शादी एक थी तो 251 कुछ बर्ड्स एंड एनिमल, तो वो तो मतलब और भी आगे की बातें हो गई, ज्यादा हम लोग निकल गए। Okay, see, तो ये 1793 के टाइम पीरियड में ये वापस आ गए थे फ्रांस से इंग्लैंड, और इसी टाइम पीरियड में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस पब्लिश किया था। इसके बाद अगला जो ईयर है बड़ा अच्छा ईयर है, ये समझिए कि ये गोल्डन ईयर नजर आता है मुझे, 1794 में गाइस, ये समझ लीजिए कि ये डोरथी वर्ड्सवर्थ के साथ रीयूनाइटेड हो जाते हैं। कुछ ऐसे आपको पोएट मिलते हैं, अरे वाह, कमेंट बॉक्स में भाई साहब आप लोगों ने हंस दिया ना, मतलब
जस्ट यू मेड माई डे गाइस, है ना? या आप लोगों ने तो मेरा दिन ही बना दिया। आप में से तो कोई नहीं इतना तेजस्वी जो 250 के बारे में सपना देख रहा हो। यस, सो रीयूनाइटेड विद डॉर्थी वर्ड्सवर्थ। अब इनकी किस्मत में लगा हुआ ताला खुलने वाला था। मैं आपको बता दूं, अगला जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम में कई तरह से पूछा जाता है। सभी लोग कान खोल लीजिए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यू नो मल्टीपल टाइप से पूछा जाता है आपके एग्जाम में इस 1795 को। और कैसे समझना है 1795 को, मैं बताता हूं। 1795 ये समझिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जिंदगी में ऐसा ईयर बन के आया था कि जहां से इनको नई जिंदगी मिलने वाली थी। एक पहली बात कि इन्हें 900 पाउंड, कितने पाउंड? 900 पाउंड। गाइस बाय द वे, ये 900 पाउंड इट्स अ बिग अमाउंट, बड़ी अमाउंट है ये, है ना? यस। अरे साल में 365 दिन होते हैं साधना, 250 थे तो राइट कब क्यों नहीं करेंगे? प्यार भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये महान इंसानों की यही तो क्वालिटी होती है ना, है ना? यस, महान इंसानों की यही वाली क्वालिटी है। सो रीयूनाइटेड विद डॉरथी एंड इनहेरिट्स लिगेसी ऑफ 900 पाउंड्स। अब ये 900 पाउंड बड़ा इनको बड़ी रकम मिल गई। बाय द वे देखिए, आप एक चीज तो समझ रहे होंगे ना, इनके पास नहीं थे यहां पर पैसे, और पैसे ना होने की वजह से ये भाग आए थे इंग्लैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड भाग गए, पैसे नहीं थे, चलिए वो तो बात चलेगी। लेकिन अभी देखिए यहां कहानी खत्म नहीं होती। 93, 94, 95 एक ही दो साल तो हुए थे ना, दो साल तीन साल ही हुए थे ना। 95 में इतना बड़ा इनको लिगेसी मिल गई। किससे मिली थी? इनके एक फ्रेंड थे, और मैं आपको बता दूं उस फ्रेंड का नाम, मतलब समझिए वो फ्रेंड दरिया दिल थे। वुड लाइक टू से गाइस, वो फ्रेंड दरिया दिल थे और बाकी सब समंदर था, है ना? बाकी सब समंदर था। तो दरिया दिल इनके फ्रेंड का नाम था रेसले कैलवर्ट, RAISLEY NCALVERT, Raisley Calvert नाम था इनके फ्रेंड का, जिसने 900 की पाउंड्स की लिगेसी ने छोड़ दिया था इनके लिए। और अब देखिए इनको मिल गया पैसा, तो पैसा मिलने के बाद मिल गए इनको सैमुअल टेलर कॉलरिज भैया, ST कॉलरिज भैया भी इनको मिल गए। विलियम वर्ड्सवर्थ को सैमुअल टेलर कॉलरिज मिल गए। लेकिन आप लोग एक चीज तो भूल गए हैं शायद, ये किसी को प्रेग्नेंट करके छोड़ करके आए थे फ्रांस में। तो जब इनके पास इतने पैसे हो गए थे, दो चार साल बीत गए थे, तो एनिटी वॉलन को तो ला सकते थे ना। डू नॉट फॉरगेट गाइस, ऐसा कर सकते थे अगर विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते, लेकिन नहीं। नाउ ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोएट। बोले कि मैं अब पोइट्री कंपोज करना चाहता हूं, मैं अब एक बड़ा वाला पोएट बनना चाहता हूं। अब समझिए, उधर नहीं वापस गए पैसे होने के बाद। तो यही होता ना, पैसे होने के बाद लोग भूल जाते हैं। जब तक बेरोजगार है, यू आर माई बाबू, यू माई सोना, यू आर माई जादू, यू आर माई टोना, है ना? और जाने कौन कौन से नाम, वो सारे प्यार में नाम दे दिए जाते हैं कि अगर तुम नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। और गाना भी गा लेते हैं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पैसा मिलने के बाद हु आर यू, मैं जानती नहीं, तुम्हें जानता ही नहीं मैं तुम्हें, वही होता है भाई। तो थोड़ा सा ये भी एक बड़ी समस्या है। 1797, अब यहां से जब दोनों लोग मिल गए, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड बोथ ऑफ देम दे प्लान कि अब कुछ करना है, रेवोल्यूशनरी करना है, ठीक है? अब कुछ करना है और रेवोल्यूशनरी करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे, बड़ा मजेदार करेंगे। आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख करके मतलब दिल तो मेरा कई बार मुझे लगता है निकल के बाहर ना आ जाए, ऐसे निकल के बाहर आ जाए और बाहर ही ऐसे ऐसे करने लगेगा तो फिर क्या होगा मेरा। अरे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग हंसते हैं वैसे। सो यहां पर यू नो गाइज, ये जो है अब दोनों प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं, अब हम दोनों लोग अच्छे से पोएट बनेंगे, बढ़िया वाले पोएट। गॉट इट ना? अच्छे से पोएट बनेंगे और बढ़िया वाले पोएट बनेंगे, और अच्छे बढ़िया वाले पोएट बनने का मतलब बहुत ही क्लियर होता है। यू नो गाइस, डॉरथी वर्ड्सवर्थ के पास ये अल्फॉक्सडेन चले गए, जहां पर कॉलरीज रहते थे।
हाई गेट में कॉलरीज रहा करते थे, क्योंकि इन्हीं को सेज ऑफ हाई गेट बोला जाता है ना गाइस, है ना, यस सेज ऑफ हाई गेट। तो ये वहां पर चले गए। अब इनकी प्लानिंग चल रही थी कुछ लिखने की, 1798 की बात है, 1798 विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज बोथ ऑफ देम दे स्टार्टेड अ जॉइंट कंपोजिशन, दोनों लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया और फिर इन्होंने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया। लेकिन रुकिए, अभी कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। लिरिकल बैलेट बस इन्होंने कंपोज किया, एक्चुअली लिरिकल बैलेट में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने कंट्रीब्यूशन दिया, दोनों ने पोएम्स लिखी। कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर के 23 पोएम्स लिखी, जिनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 थी प्लस 4 थी जो कॉलरिज के साथ एसोसिएटेड थी। लेकिन दोनों पोएट, समझिए, दोनों पोएट डरे हुए थे। अब ये बताइए कि अब दोनों पोएट डरेंगे क्यों? इज देयर एनी रीजन गाइज कि अगर मान लीजिए आप कोई एक पोएटिक वर्क लिखते हैं तो डरने की क्या बात है भाई? क्योंकि आप गाना गा सकते हैं ना कि डरने की क्या बात है और ऊपर वाला अपने साथ है। ये डर रहे थे एक्चुअली में, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है इनके डर का। एक्चुअली में लिरिकल बैलेट इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया था, एनोनिमसली आई मीन बिना नेम के, ना वर्ड्सवर्थ ने अपना नाम मेंशन किया ना कॉलरिज ने नाम अपना मेंशन किया। पब्लिशर ने इनको कहा कि ठीक है तुम दोनों लोग अपने नाम मेंशन ना करो। क्या रीजन था मेंशन ना करने का? एक्चुअली में गाइज विलियम वर्ड्सवर्थ ने बाद में वाली बात बताई थी। इन्होंने कहा कि पोएम्स वर ऑफ न्यू काइंड। मान लीजिए कि सोसाइटी में फॉग चल रहा हो, है ना, मान लीजिए सोसाइटी में फॉग चल रहा है और अचानक से आप फॉग की जगह पे कुछ दूसरा वाला फॉग लेकर के आए तो क्या चलेगा? क्या डर रहेगा ना कि यार नया लेकर के आए हैं पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, इजंट इट? तो ऐसा ही यहां पर मैटर था। एक्चुअली में नियो क्लासिकल पोइट्री दैट वॉज बाउंडेड विद रूल्स दैट वॉज ओनली अर्बन पोइट्री, ओके, एंड जो पोइट्री जिसमें आप देखते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी है, सटायर है, सो इस टाइप की पोइट्री को ये लिरिकल बैलेट कैसे क्रॉस कर जाएगा, कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? कई बार हम लोग नॉवेल लिखते हैं तो हमें लगता है कि लोग पता पसंद करेंगे या नहीं, पोएम लिखते हैं हमें लगता है ना लोग पसंद करेंगे या नहीं, दिस इज वॉट, ये एक फियर था दोनों लोग डरे हुए थे और दैट्स वाई यू नो एनोनिमसली इन लोगों ने पब्लिश करवा डाला विदाउट राइटिंग एनी नेम। जो लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ तो बिना किसी नाम के आया, लेकिन थैंक गॉड इंग्लैंड में भी पब्लिश हुआ और जाकर के अमेरिका में भी, फिलाडेल्फिया में वहां पर भी पब्लिश हुआ, यू नो गाइस, और इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गया कि जो पब्लिशर था वो बल्ले बल्ले करने लगा भाई। यस ही वॉज सो मच हैप्पी, बोला ये लो कुछ मैं देता हूं, जाओ दोनों घूम करके आओ। सो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज से लिरिकल बैलेट दैट वॉज द वेरी फर्स्ट लिरिकल बैलेट, ये समझ लीजिए पॉपुलर हो गया, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया, एंड इट वॉज वेल रिसीव्ड बाई द ऑडियंस, और ऑडियंस ने बहुत ही अच्छे से इसे सराहा, कहा ओ वाह व्हाट अ यू नो कलेक्शन इट इज, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन। यहां पर एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये लिरिकल बैलेट है और सैमुअल टेलर कॉलेज का, इसकी पहली पोयम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जिसको कॉलरिज ने कंपोज किया था, और लास्ट पोयम है टिंटर्न एबी जिसको आपके विलियम वर्ड्सवर्थ भैया जी ने कंपोज किया था। यू मस्ट रिमेंबर फर्स्ट पोयम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड द लास्ट पोयम, समझ ही गए होंगे आप गाइस कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? आप लोग देखिए इस वाली क्लास के लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, नहीं मैं फोन से निकल आऊंगा, बाय गॉड मैं बहुत खतरनाक हूं, मान लीजिए आप इस क्लास के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना, क्योंकि जब आपके लिए कोई कोशिश करता है ना तो आप भी हृदय से कोशिश किया कीजिए, और लाइक ना करने वालों तुम लोगों का मोबाइल हैंग हो जाए, मैं तो कहता हूं अभी के अभी हैंग हो, ना लाइक करने वालों का सबका मोबाइल हैंग हो जाए, ये एक दुखी आत्मा दुखी टीचर का वो है। आइए आगे देखते हैं गाइस। अब जब इनका लिरिकल बैलेट सुपर डुपर हिट हो गया
सो यू नो गाइज, वर्ड्सवर्थ, डोरोथी और कॉलरिज जर्मनी घूमने निकल गए। वाओ गाइज, क्या बात है, सब जर्मनी घूमने के लिए निकल गए। चलो चलते हैं, मजा आ जाएगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ना। सो दैट्स व्हाई यू नो चले गए ये। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है, वेट प्लीज। हाँ, तो अब ये चले गए जर्मनी घूमने के लिए, तीनों लोग गए गाइस, है ना। यस, और फिर बाद में लौट करके आए। इट वॉज 99 और विलियम वर्ड्सवर्थ, डोरोथी, सब लोग फिर ये लेक डिस्ट्रिक्ट में जाकर के सेटल हो गए। बोले लेक डिस्ट्रिक्ट में अगर रह करके पोएम लिखेंगे ना तो मजा आ जाएगा गाइस, है ना। यस, मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा मानना था कि अब फिर लेक डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो जाते हैं। तो लेक डिस्ट्रिक्ट डब कॉटेज में ग्रैशमर नाम के प्लेस में ये लोग रहने लगे। और फिर यहां पर प्लानिंग चल रही थी, वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट पार्ट वन, यानी कि हमने पहला एडिशन तो पब्लिश कर दिया है। अब दिक्कत ये है कि अब सेकेंड वाला एडिशन भी आना चाहिए, है ना। दूसरे वाले एडिशन को भी हमें पब्लिश करने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट दे डिड, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्लान किया। बोले यार पोएम्स मेरी नई तरीके की है ना, पोएम्स मेरी नई तरीके की है, तो इसीलिए मैं प्रीफेस ऐड करता हूं। प्रीफेस का मतलब वही होता है ना, फोर वर्ड्स, मतलब कुछ शब्द इसको लेकर के कि क्या है, कैसा है, वही वाला जैसे कि मूवी शुरू होती है ना, तो मूवी शुरू होने से पहले लिख के आ जाता है डिस्क्लेमर, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी से भी कोई संबंध नहीं है, और अगर ऐसा संबंध पाया जाता है तो मात्र एक संयोग होगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि यह संयोग से अच्छा है, मैं पहले ही बता दूं कि यह संयोग नहीं है एक्चुअली में, मैं कर क्या रहा हूं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हुआ। आइए चलते हैं आगे। है ना, यस। अब यहां पर क्या होने वाला था, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुआ, सेटल हो गए। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्लान किया, आई एम गोइंग टू राइट प्रीफेस फॉर माई पोएम्स, है ना, आई एम गोइंग टू राइट प्रीफेस फॉर माई पोएम्स। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस लिखा। प्रीफेस में इन्होंने बताया कि हम कैसी पोएट्री लिखेंगे, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा, पोएट्री फॉर कॉमन मैन इन कॉमन लैंग्वेज हैविंग कॉमन सब्जेक्ट। बोले पोएट्री फॉर कॉमन मैन, कॉमन मैन, कॉमन सब्जेक्ट एंड ऑर्डिनरी, यानी कि कॉमन सीन भी हम लोग लेने वाले। और यहीं पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में ही, इस पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन इन ट्रैंक्विलिटी गाइस। और एक और इस बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन आती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, पोएट्री इज द ब्रीद एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये सारी बातें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कह डाली, और इसके साथ साथ इन्होंने प्रीफेस में और भी बहुत सारी सलाह दी। कभी मौका मिले तो इस प्रीफेस को पढ़ना चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट है गाइज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रीफेस के साथ लिरिकल बैलेड कब आया। देखिए लिरिकल बैलेड कब आया वो बात अलग है, लिरिकल बैलेड कब आया वो बात अलग है, और प्रीफेस विद इन लिरिकल बैलेड कब आया, दैट इज अनादर वन पॉइंट। तो प्रीफेस विद लिरिकल बैलेड 1800 एंड लिरिकल बैलेड ओनली 1798, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। पानी मैंने पी लिया है, मेरा पानी हो गया है खत्म, है ना, कोई भाई पानी दे जाओ, है कोई जो पानी दे जाएगा मुझे। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने सेकेंड लिरिकल बैलेड भी अपना पब्लिश करवा दिया, 1802 की बात है। फिर ये वापस जाते हैं कैलस, कैलस, आपको कैलस कुछ याद आ रहा है, आपने मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोयम पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़िएगा। इस पोयम का नाम होगा डॉबर बीच, और डॉबर बीच में
एक साइड आपको केंट नजर आता है और दूसरी साइड कैलेस नजर आता है, सी ए एल ए आई एस। कितने लोगों को याद आया है, अपनी मेमोरी को ब्रश अप कर डालिए प्लीज। कैलेस याद आया, हाँ। डॉवर बीच, ये डॉवर बीच है, ये फ्रांस है और ये इंग्लैंड है। तो यहां पर कैलेस है, ये फ्रांस में, और इंग्लैंड में इधर पर केंट है ना। यस, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। तो अब विलियम वर्ड्सवर्थ पहुंचे कैलेस, कहां पर पहुंचते हैं, वॉलेंस एट कैलेस। और ये वॉलेंस कौन है भाई साहब, वही एनिटी वॉलेंस। जाते हैं अपनी बिलविड से मिलने के लिए। ये होता है ओरिजिनल प्यार, कि कुछ भी हुआ, जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा ना, जिस दिन मैं प्रोफेसर बनूंगा या जिस दिन मैं टीचर बनूंगा, उस दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। स्वीकार कर लोगी तो अच्छा है, नहीं स्वीकार करोगी तो कोई बात नहीं, या स्वीकार करोगे तो अच्छा है, नहीं स्वीकार करोगे तो कोई बात नहीं। दिस इज वॉट विलियम वर्ड्सवर्थ का लव था, ये बचपन का प्यार था भाई, है ना। यस, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर क्या था, आफ्टर रिसीविंग अ मच डिलेड इनहेरिटेंस मैरीज मैरी हचिंसन। फिर क्या था, कैलेस तो गए लेकिन कैलेस में इनकी मुलाकात नहीं हो पाई वॉलेंस के साथ, या जो भी हुआ गाइस, वॉट एवर देवर देयर वॉज, मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है क्या हुआ था इनके बीच में, लेकिन गए थे। और फिर इसी साल इन्होंने शादी कर डाली थी मैरी हचिंसन के साथ। अब मैरी किसके साथ इन्होंने शादी कर ली गाइस, है ना। यस, मैरी के साथ इन्होंने शादी कर लिया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एक्चुअली मैरी जो थी इनकी क्लास फेलो हुआ करती थी जब विलियम वर्ड्स अपनी छोटी कक्षाओं में अच्छा आप टीचर बन जाएंगे तो मुझसे मिलने जरूर आएंगे, बहुत लोगों ने ये प्रॉमिस किया था, लेकिन टूटे दिल से कहता हूं मैं कि कोई कभी मिलने नहीं आता। बनने के बाद तो लोग ये भी भूल जाते हैं कि राजवीर कौन, राजवीर हाँ लिटरेचर लवर्स वाला, अरे तमाम पढ़ाते हैं इस तरह के, ये थोड़ा सा अर्जुन बुरा लग रहा होगा, बट बिलीव मी यू आर नॉट द फर्स्ट। जाने कितने लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जिस दिन सर सिलेक्शन हो जाएगा हम चले आएंगे, बट मुझे बुरा नहीं लगता एक्चुअली में, क्योंकि मैं आपसे डिजिटल दुनिया से कनेक्टेड हूं, है ना। मैंने आपके चेहरे नहीं देखे, मैं आपको बहुत नजदीक से नहीं जानता, लेकिन मैं कनेक्टेड हूं आपसे। आई फील कि आप लोग मेरे हैं और मैं आपका, सच। और जब भी कोई ऐसी बात कहता है ना, तो मुझे लगता है कि चल तुम झूठे हो या तुम झूठी हो जिसने भी ये कहा है, चलो कोई नहीं, ऐसा चलता रहता है। 1805 गाइस, ये 1805 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिल्यूड जो है इनका, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड, यू नो, ये जो है इनका कंप्लीट हो गया था। इनके जो ब्रदर थे वो भी सी में कहीं पर खो गए थे, है ना। यस, सी में कहीं पर ये खो गए थे, और साथ में प्रिल्यूड जो है इनके फिनिश्ड हो चुकी थी। प्रिल्यूड के कई सारे टाइटल हैं, प्रिल्यूड यू नो पोएम टू कॉलरिज, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, लेकिन पोस्थमसली पब्लिश हुई थी, यानी 1850 में पब्लिकेशन जो है ये 1850 में हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद मैरी हचिंसन ने इसका पब्लिकेशन करवाया था, मैरी हचिंसन ने इसका पब्लिकेशन करवा दिया था। 1807 में फिर पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स आई थी। पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में एक बहुत ही फेमस पोएम है ना, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में एक बहुत ही फेमस पोएम है, जिसको मैंने एक दिन पढ़ाया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही, आपको याद होगा गाइस, है ना। यस, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। अब ये जो आई 1807 में, तो इसमें एक पोयम है, उसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। बहुत ही बढ़िया पोयम है, मुझे प्यारी लगती है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टू मच विद अस। ये वाली जो पोयम आई थी ये इसी वाले पोयम्स इन टू वॉल्यूम्स में 1807 वाले में आई थी, ठीक है, याद रहेगा ना। या करें, देखिए लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक ना एक दिन उन्हें बदल जाना होता है। वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज दोनों लोग मिले थे, लेकिन इनका क्वेरल भी हो गया था। एक्चुअली मैं जो पॉसिबल रीजन जानता हूं क्वेरल के पीछे, द पॉसिबल रीजन आई नो,
कि वो ये था कि सैमुअल टेलर कॉलेज जो है, जो मैरी हचिंसन की एक कजिन सिस्टर थी, तो कजिन सिस्टर जिसका नाम था सारा हचिंसन, है ना, तो सारा हचिंसन को प्यार कर बैठे थे सैमुअल टेलर कॉलेज। ये प्यार बड़ी अजीब सी चीज है, जैसे ही किसी को सुंदर देखता है तो बस प्यार होने लगता है। कभी मैंने नहीं देखा कि किसी को असुंदर देखा जाए, है ना, किसी ऐसे इंसान को प्यार हो जाए जो सुंदर ना, सुंदरता हुई और फिर हो गया। सो एक्चुअली में गाइज आपने देखा ना, 1810 की बात है, क्वेरल विद सैमुअल टेलर कॉलरिज। अब इन दोनों के बीच में वही सारा हचिंसन के लिए इन्होंने एक पोयम भी लिख डाली थी, है ना। तो यहां पर मामला हो गया दोनों के बीच का गड़बड़, मामला दोनों के बीच का गड़बड़ हुआ और अलग हुए। सैमुअल टेलर कॉलेज ने कहा कि बेटा अपनी साली को हमसे बहुत छुपा रहे हो, मिलोगे ना जिस दिन हम बता देंगे तुमको। एक्चुअली गाइस यू नो कि हुआ कुछ ऐसा, सैमुअल टेलर कॉलेज ने ये वाली भड़ास अपनी निकाली थी आगे चल करके। 1817 में सैमुअल टेलर कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया आया था और बायोग्राफिया लिटरेरिया में विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी हेकड़ी निकाल दी इस बंदे ने, है ना। सैमुअल टेलर कॉलरिज की सारी हेकड़ी निकाल दी, बिलीव मी गाइस, है ना। यस, फिर क्या, बायोग्राफिया लिटरेरिया में 1817 में फिर खूब क्रिटिसाइज किया विलियम वर्ड्सवर्थ को, खूब क्रिटिसाइज किया, वेयर इज योर कॉमन लैंग्वेज, वेयर इज योर कॉमन मैन, है ना, वेयर इज योर मीटर, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। सो दोनों ने फिर इसकी बुराई भी लिख डाली। 1812 में सैमुअल टेलर कॉलेज के दो बच्चे थॉमस एंड कैरोलिन, इन दो बच्चों की डेथ हो जाती है। 1813 अगला साल ये रीडल माउंट के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां पर ग्रेशमेयर और रीडल माउंट के बीच में वहीं पर रहने लगते हैं। एक्चुअली में अब इनको एक पोजीशन मिल गई थी 400 पाउंड पर ईयर की एक इनको जॉब मिल गई थी। ये गाइज यू नो बन गए थे क्या, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स, और वहीं पर ये रहने लगे, अपना टाइम स्पेंड करने लगे। 1814 के टाइम पीरियड में इनका वर्क आया था एक्सकर्शन। एक्सकर्शन इनके पोइटिक डिक्लाइन की तरफ का है गाइस, है ना। यस, एक्सकर्शन पोइटिक डिक्लाइन को इनके रिप्रेजेंट करता है, दैट्स ग्रेट। फिर 1815 में भी कुछ पोयम आई, द वाइट डू ऑफ रेल स्टोन, प्रीफेस टू लिरिकल वैलेट को थोड़ा सा रिवाइज किया इन्होंने। पीटर बेल एक इनकी पोयम है, पीटर बेल इनकी है और पीटर बेल दी थर्ड, सो पीटर बेल दी थर्ड इज एसोसिएटेड विद, पीटर बेल दी थर्ड इज एसोसिएटेड विद हुम, सो पीटर बेल दी थर्ड एसोसिएटेड है आपके किसके साथ, तो वो एसोसिएटेड है शैली के साथ, ठीक है। यस, 1820 VR7 भी इन्होंने लिखा, 1822 फिर इन्होंने एक वर्क लिखा और योरो रिविजिटेड पोएम चीफली एंड ऑल। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनका जो पोइटिक करियर है वो डिक्लाइन होने लगा था, बहुत अच्छा पोइटिक करियर नहीं आया था गाइस। सबसे फिर इंपॉर्टेंट ईयर आ जाता है 1843, जब ये पोएट लॉरिएट बने इंग्लैंड के, एंड टिल डेथ 43 से लेकर के 50 तक, टिल डेथ यू नो गाइस ये रिमेन रहे कैसे, पोएट लॉरिएट रिमेन रहे, और 1850 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी प्रिल्यूड फिर पब्लिश की जाती है इनकी वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा। मैरी हचिंसन ने इनके वर्क को पब्लिश कर दिया, गॉट इट, यस, मैरी हचिंसन ने इनके वर्क को पब्लिश कर दिया। एक्चुअली मैं आपको एक घंटे पढ़ा रहा हूं इस यूट्यूब की पब्लिक वाली क्लास में, है ना, एंड वी आर कवरिंग विलियम वर्ड्सवर्थ, और आपको मैंने एक घंटे पढ़ा दिया लगभग, आपको ये टाइम कम ही समझ में आया होगा, है ना, लगा नहीं होगा, मजा नहीं आई आपको, अगर मजा ना आई हो तो आपका पैसा वापस कर दिया जाए। पोएट लॉरेटशिप एक्सेप्ट करने की वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर कहा है, क्या बात है। या श्योर, लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन, दिस इज द टाइटल, करेक्ट, यू आर राइट। एक्चुअली सो फैंटाबुलस क्लास, ओके, अभी बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है भाई आपकी,
इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट जो वर्क है इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने वैसे इनके बारे में बात कर ली। देखिए जैसे लिरिकल बैलेट, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर ने भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो पढ़ना ही चाहिए। प्रीफेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लूसी पोएम्स आर देयर, है ना, एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम, इनके बारे में गाइज वही सारी चीज है यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। इसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट इनकी पोयम है, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ये आपके एग्जाम में जरूर आती रहती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस लंडन 1802, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। ये वाली बहुत ही सुंदर पोयम है। सॉलिटरी रीपर एक बहुत ही अच्छा बैलेट, एक हाईलैंड लैश के बारे में इन्होंने लिखा है, है ना। और देखिए यहां पर एक इनका बॉर्डरर करके इनकी एक वर्स ट्रेजेडी भी है। बॉर्डरर इनकी वर्स ट्रेजेडी है। माइकल की अगर आप बात करें गाइस, एक पैस्टोरल पोयम है और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक, वो तो आप जानते ही होंगे। माई हर्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड रेनबो, ये सारी इंपॉर्टेंट पोयम है जो आपको अपने टीजीटी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, है ना। यस, डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए, दम से पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो शायद आप कुछ भूल जाते हैं। इसके साथ साथ और भी देखिए इनकी पोएम्स को मैंने यहां पर साइट किया हुआ है, और कभी मुझे लगता है कि अगली क्लासेस कभी होंगी तो जरूर आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, है ना। यस, सो मैंने लाइफ पूरी की पूरी डिस्कस की, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और लाइफ के साथ साथ मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने आपके लिए डिस्कस की है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही मेरी तरफ से, और अगर आप टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट है या एलटी ग्रेड, आप मेरे कोर्सेज ले सकते हैं टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड। अगर आप एस्पिरेंट हैं आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। न्यू बैचेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं, और आप मजे से पढ़ेंगे और अच्छा लर्न करेंगे, अपने टारगेट एग्जाम को की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, दमदार वाली कोशिश का, यस, है ना। यस, ठीक है ना। यस, सो बिल्कुल आपको यही सारी चीजें पढ़नी होती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं जैसे अनअकैडमी ऐप पर भी क्लासेस लेता हूं, इफ यू आर यूजी सिनेट एस्पिरेंट सो देन कम एंड ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। सो डेफिनेटली गाइज आप मुझे यहां पर आइए, फॉलो कीजिएगा अंकित कुमार साहू राजवीर या AKS राजवीर, ये सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे साथ लर्न कीजिए लिटरेचर, क्योंकि हम लोग है ना लिटरेचर लवर्स हैं, तो हमारे लिटरेचर रग रग में बहता है, है ना। बिल्कुल सर, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हो, दोपहर के 1-2 बजे भी नींद नहीं आती। वाह रीना, क्या बात है, थैंक यू रीना, थैंक यू, आप सब लोगों का प्यार और दुलार है। बस एक कोशिश कर सकता हूं मैं एक मीडियम हूं और पढ़ते हैं हम लोग। नेट का एग्जाम डेट क्या होगी, अभी नहीं पता दीपिका, कब हो सकती है एग्जाम डेट, है ना। हाँ कोमल श्रीवास्तव, लिटरेरी थियरी भी मैं कमेंट कर देता हूं सर, आज हम यहां ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओहो, टीजीटी के लिए अलग चलता है कोर्स, पीजीटी का अलग, एलटी अलग, और यूजीसी नेट आप अनअकैडमी पर लेंगे। यूजीसी नेट के लिए देखिए मेरे कोर्सेज अनअकैडमी पर ऑलरेडी रनिंग ऑन रहते हैं, यू कैन सी, आप प्रोफाइल मेरी देख सकते हैं। थोड़ा और छोटे हो जाओ भाई, इतना बड़ा पेज हमारे बच्चे नहीं देखेंगे, है ना, गुस्सा हो जाएंगे। तो ये देखिए फॉलो वाला बटन आया था ना, ओ कहां गया फॉलो वाला बटन, ये आपको जाना है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके यहां पर फॉलो कर लीजिए, फॉलो करेंगे अच्छा रहेगा। चार्जेस सेम रहते हैं, रिकॉर्डेड हो लाइव हो चार्जेस सेम रहते हैं, 2999 टीजीटी, 3999 पीजीटी, 3999 एलटी, है ना। यस, और इसके बाद हम आगे मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही मिलते रहेंगे गाइस, ठीक। चलिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। सर जी हमारा कमेंट भी पढ़ लिया करो, क्यों रामेंद्र हम तो पढ़ते हैं सर, आज लाइक ना करने वालों के लिए
कुछ लाइन प्रस्तुत करेंगे कमेंट में। चलिए फिर चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। प्रवीण सर की क्लास होगी ना 3 बजे ग्रामर वाली पेड स्टूडेंट्स के लिए, तो चलिए फिर अब हम चलते हैं और फॉलो करके आते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सारे देखिए कोर्सेज यहाँ पर मेरे पड़े रहते हैं, ये सारे कोर्सेज जो पेड वाले होते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस, ये देखिए बैचेस जो चल रहे हैं मेरे, तो ये बैचेस नवदीप मैम के साथ और एनी महेंद्रू मैम के साथ, सब लोगों के साथ जो चलते हैं वो आप देख सकते हैं। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आरती, थैंक यू, मैं एकदम मस्त हूं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। वाह क्या बात है। बाय।